तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो चलो भाई चलो। ओ भाई ये क्या क्या हुआ साहब? अरे तुम्हारी रिक्शा में मेरी यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके पहले इतना मीटर कैसे हो गया? साहब मीटर डाउन करूंगा तो अपना काम करेगा ही ना। अरे भाई पर मेरे आने से पहले मीटर डाउन क्यों किया आपने? आपके लिए साहब। अगर मीटर डाउन नहीं करता और कोई पैसेंजर आ जाता उसे मना नहीं कर पाता ना साहब। अभी तो बोल सकता था ना पैसेंजर को रिक्शा एंगेज है करके। ठीक है चलो। ठीक है साहब। कहाँ रखूँ इस बॉक्स को? बबीता 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों क्या हो गया? बबीता मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा था ना वो सक्सेसफुल हो गया है। Congratulations, Iger! Congratulations! I'm so happy for you! Thank you, thank you! और बबीता, इतनी खुशी में मैंने पूरा टीम को लंच पार्टी के लिए बुलाया। कहाँ? यहाँ घर पे? अरे बबीता घर पर नहीं, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलाया। तुम फटाफट तैयारी करो। Iger, आज हम लोग लंच के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे, तुम प्लान कैंसिल कर दो प्लीज। क्यों? क्यों नहीं जा पाएगा? इसकी वजह से। ये स्नैक्स की वजह से? नहीं नहीं ये बॉक्स की वजह से। ये बॉक्स की वजह से? क्या है इसके अंदर? इसमें पोपट भाई की होने वाली बीवी के सोने के गहने हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आए? क्या है ना, पोपट भाई को अर्जेंटली किसी काम के लिए बाहर जाना था, उन्होंने ये गहने भीड़े भाई को दिए संभालने के लिए। भीड़े भाई को मंगनी के लिए फैमिली के साथ बाहर जाना था तो उन्होंने जेठा जी को दिए। जेठा जी को दुकान जाना था, चाचा जी घर पे थे नहीं तो जेठा जी ने ये गहने मुझे यानी हमें संभालने के लिए दिए हैं। लेकिन बबीता हमको लंच पर बाहर जाना है, हम ये बॉक्स कैसे संभालेगा? भैया मुझे तुम्हारा लंच का प्लान पहले से पता नहीं था ना, नहीं तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेती। बबीता तो फिर जेठालाल को फोन करके बोलो और ये बॉक्स वापस दे। पर वो तो अभी दुकान के लिए निकल गए ना। बबीता तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने का क्या जरूरत था? अय्यर हम उनके पड़ोसी है, अब हम उनको मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ यस यस यू आर राइट। लेकिन बबीता हम लोग लंच भी तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तुम एक काम करो, ये बॉक्स कबर्ड में लॉक करके रख दो और लंच पर जाने की तैयारी करो। नहीं नहीं अय्यर, किसी और के गहने इस तरह से घर पे, और यू नो व्हाट, हम लोग पार्टी में भी जाएंगे ना तो टेंशन के बारे हम लोग एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ओ तो अब क्या करे? हाँ बबीता एक काम करते हैं, ये बॉस का रिस्पांसिबिलिटी टेंपरेरी हम अंजलि बाबी को दे देते हैं। अरे हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। और शाम को आने के बाद अंजलि बाबी से ये बॉक्स वापस लेंगे तो जेठालाल को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, मैं अभी अंजलि बाबी को फोन करती हूँ। हाय पपिता जी। हाय अंजलि भाभी। अंजलि भाभी आज का आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस नई डाइट रेसिपीज के लिए रिसर्च कर रही थी। ओ ग्रेट, आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना? नहीं, वैसे तो पूरा दिन घर पर ही हूँ। अच्छा ओके अंजलि भाभी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। बबीता जी आप बस हुकुम कीजिए। मैं आपको घर पे आके बताती हूँ। ओके अच्छा ठीक है आ जाइए। ओके बाय बाय बाय। मैं अब भी अंजलि भाभी को ये बॉक्स देके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता, अभी लंच पर जाने के लिए बहुत टाइम है, तुम पहले तैयार हो जाओ फिर जाते समय हम ये बॉक्स अंजलि भाभी को दे देंगे। हाँ ओके ठीक है। अरे वाह क्या लग रहे हैं आप दोनों, लगता है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। अंजलि भाभी हम लोग अंदर चल के बात करें प्लीज। हाँ हाँ आइए ना आइए आइए बैठिए। क्या लेंगे आप लोग? एलोवेरा जूस, ग्रीन टी? एक्चुअली अंजलि भाभी बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अंजलि भाभी हमको अर्जेंटली बाहर जाना है तो हमारे आने तक ये बैग आप संभाल कर रखना। क्या है इसमें? बहुत ही कीमती चीज। हाँ बताता हूँ एक मिनट। नमकीन?
बबीता जी ये कीमती नहीं हानिकारक चीज है। नहीं नहीं अंजलि भाभी, कीमती चीज इस नमकीन के नीचे रखी है। एक मिनट। अंजलि भाभी, इसमें पोपड़लाल की सजनी पे सजने वाला सोना है जो उन्होंने शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के लिए बना के रखा है। पोपट भाई ने ये आपको क्यों दिया है? पोपट भाई ने अपनी शादी की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हाँ ठीक है दे दीजिए। ये लिए अंजलि भाभी। जेठा जी या सोसाइटी में किसी और को मत बताना प्लीज कि हमने ये बॉक्स आपको दिया है। हाँ प्लीज। अब डोंट वरी, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी। ओके थैंक यू सो मच। तो हम लोग अभी निकलते। अंजलि भाभी प्लीज इसे संभाल के रखना। ओके अरे बबीता जी आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, अब ये मेरा हुआ। मतलब आप इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ओके बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव फन। इसे कोई अच्छी सी जगह छुपा कर रखना होगा। कौन हो सकता है? सेफ्टी के लिए अपने साथ पेपर स्प्रे रखकर दरवाजा खोल दिया। अब्दुल भाई। अंजलि भाभी ये क्या है? ये मक्खी। आजकल बहुत मक्खी मच्छर हो गए ना, तो बस सब जगह ये मार रही थी। अभी स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है, मच्छर मक्खी को भगाने के लिए मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया। मन्नू कन्नू। नमस्ते। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही आपसे कहा था पेस्ट कंट्रोल के लिए इन्हें बुलाने के लिए। अच्छा अच्छा आइए 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 आइए। ये है अंजलि भाभी का घर। मैं पानी लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी के घर में एकदम फर्स्ट क्लास पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। अब्दुल भाई आप चिंता ना करें, काम फर्स्ट क्लास होगा। मुझे समझ में नहीं आता कनु, कोई मुझे ताली क्यों नहीं देता? 24 घंटा जिस हाथ से खुजाता रहता है उसी हाथ से ताली देगा तो कौन देगा तुझे ताली? सारे बदन में खुजली होती है तो मैं क्या करूँ? ऐसी दवा मारूंगा ना जिंदगी भर खुजली नहीं आएगी तुझे। ये लीजिए। मैडम हम हर्बल पेस्ट कंट्रोल करने वाले हैं तो स्मेल नहीं होगी, लेकिन 2-3 घंटा जाएगा दवा सूखने के लिए। दवा मारने के बाद अगर आप 2-3 घंटा घर के बाहर रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये रख कर आती हूँ। चल काम करो। अरे बाप रे, घर पे तो सोने के गहने पड़े हैं। नहीं 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 पेस्ट कंट्रोल कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक मिनट अब पेस्ट कंट्रोल कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? मुझे अभी याद आया कि बहुत अर्जेंट काम है, मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाना पड़ेगा तो आज नहीं हो पाएगा, सॉरी। चलिए भाभी ऑलरेडी 2 बार आपने कैंसिल करवाया, अब कैंसिल नहीं होगा। मैडम बार बार कैंसिल करने से हमारा नुकसान होता है और आपके ऑर्डर के चक्कर में हम कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं लेते हैं। मैडम पहले 2 बार हमारा नुकसान हो चुका है, या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग पेस्ट कंट्रोल आज ही कर लीजिए, बस मुझे 10 मिनट का काम है, घर समेटना है ना इसलिए, तो प्लीज। हाँ ठीक है, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम यही खड़े। आप यहाँ नहीं रुक सकते? मतलब आप यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे अच्छा थोड़ी लगता है। अब्दुल भाई आप इन्हें सोडा शॉप ले जाइए और वहाँ मेरे तरफ से इन्हें मस्त नींबू सोडा पिलाइए, तब तक मैं किचन समेट लेती हूँ। ठीक है अंजलि भाभी, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा ना तो मुझे फोन कर देना, मैं इनको लेके आ जाऊंगा। हाँ पक्का पक्का। आइए चलिए आइए आइए।
मैं बुलाती हूँ। पेस्ट कंट्रोल के चलते सोना घर पर नहीं रख सकती, कहाँ रखूँ इसे, किसे दूँ? एक काम करती हूँ, कोमल भाभी के घर दे देती हूँ, वहाँ ये सेफ रहेंगे। तुम्हारे हाथों में प्लेट के बदले भूख देख के मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। अरे अंजलि भाभी आप आइए, आइए आइए ना बैठिए। नहीं नहीं ठीक है। अंजलि भाभी आप तो टेंशन में क्यों है? हाँ मुझे इसकी टेंशन हो रही है। इसमें क्या है? एक मिनट। नमकीन? अरे आप इस नमकीन की वजह से टेंशन ले रहे, इसे तो मैं निपट लूंगा। हाथी भाई नमकीन की टेंशन नहीं हो रही है, इस डब्बे की टेंशन हो रही है। इसमें क्या है? डाइट फूड? हाँ अब नहीं, इसके अंदर सोने के गहने हैं। सोने के गहने? गहने? हाँ। आपके? नहीं नहीं मेरे नहीं, पोपट भाई की सजनी पर सजने वाले गहने हैं ये। हाँ? मतलब पोपट भाई ने जो हमारी होने वाली भाभी के लिए गहने बनाए हैं ना, ये वो है। वो क्या है ना, पोपट भाई को सुबह और अब मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रही हूँ। हमें? वो क्या है ना, घर पर पेस्ट कंट्रोल की दवाई सूखने में भी टाइम लगेगा, तो मुझे लगा मैं अपनी सहेली के घर पर चले जाती हूँ और वहाँ कुछ एक काम भी था वो भी निपटा लूंगी, तो तब तक क्या आप लोग ये डिब्बा मेरे लिए संभाल लोगे? प्लीज। बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बबीता जी और अय्यर भाई के आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है लाइए, ये डिब्बा मुझे दे दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ वैसे अगर कोई टेंशन वाली बात हो तो आप लोग मना कर सकते हो। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। कम ऑन अंजलि भाभी, हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की तकलीफ में काम आना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है, लाइए दीजिए डिब्बा, आपके आने तक ये हमारे पास सुरक्षित रहेगा। हाँ थैंक यू, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। अब एक और बात, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डिब्बा मैंने यहाँ पे छोड़ा, और स्पेशली बबीता जी को नहीं। हाँ किसी को कुछ नहीं बताएंगे, है ना कोमल? हाँ हाँ थैंक्स थैंक्स अगेन। अरे मैं तो भूल ही गई, पेस्ट कंट्रोल वाले घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बातों में लग गई, मैं जाती हूँ। हाँ। अरे आपकी थैली? अब ये थैली अभी के लिए यहीं पे रहने दीजिए, जब आप लोग मुझे डब्बा रिटर्न करोगे ना तो डब्बे को इसी में डालकर दे देना। थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम। कोमल ये नमकीन तुम मुझे दो और ये डब्बा तुम अलमारी में संभाल के रख दो। लो। हाँ। मम्मी पापा 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 क्या हुआ? बोली बेटा तुम इतने खुश क्यों? पापा मम्मा लॉटरी लगी है, लॉटरी। क्या कितने की? अरे बेटा ये लॉटरी वॉटरी सब कैसे होता है? नहीं नहीं पापा पैसे की लॉटरी नहीं लगी है, तो दोपहर के खाने की लॉटरी लगी है। खाने की लॉटरी? क्या? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ, वो फिगी ऐप पे ना एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जो मैं जीत गया, और उसके प्राइस में दिल्ली नगरी होटल में 3 अनलिमिटेड फूड के कूपन्स मिले। अरे वाह वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या काम किया है पापा, इवन आई एम वेरी हैप्पी।
हेलो, हम लोग बाहर नहीं जा सकते? क्यों? क्यों? क्या क्यों हंस, भूल गए? अंजलि भाभी ने इसकी जिम्मेदारी हमें दी है। सही बात है बेटा, इस डिब्बे में ऐसी कीमती चीज है जिसे हम घर पे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। या भी इसलिए ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ। मम्मा। सॉरी बेटा। पापा। बोली बेटा, सोचो अगर खाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ तो जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी ना। हंस, मजबूरी नहीं जिम्मेदारी। सही बात है, जिम्मेदारी है बेटा, नहीं जा सकते। ठीक है, फिर ये कूपन किसी और को देना पड़ेगा। माय बेबी, मैं खोलता हूँ। अब कौन होगा? आनी। ओ किया ना गोली मार। ओ वाइगुरुजी ना खालसा। वाइगुरुजी नहीं बनते। आउट मत, बैठो बैठो। सत्रिकाल। गोली, अचानक कैसे आना हुआ? मेरा यार है ना जसपाल, उसके घर पे आज कीर्तन था। सोड़ी भाई, आप कीर्तन गए थे? पर मैं कल्ला नहीं सी, तो रोशन भी मेरे नाल सी। अच्छा, तो रोशन भाभी कहाँ है? रोशन घर चली गई और मैं सेव बूंदी का प्रसाद लेने चला आया। अरे वाह। हेलो जी, सब उतर। थैंक यू। थोड़ी ये सेव बूंदी का प्रसाद तो मेरा फेवरेट है। वाची ब्रा, मैंने पता है, इसीलिए तो लाया हूँ। थैंक यू। वाह थोड़ी, ये सेव बूंदी खिला के तुझे तो दिल खुश कर देता। हाँ। ओ यातिका, ओ करने वाला मैं कौन होता हूँ? ओ दिल खुश करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया है। वैसे यातिका, ऊपर वाले दी मेर है तो उसका बंदा शेर है। मामा, सोड़ी अंकल, तुम लोग ये बॉक्स संभालने दे देते ना। नो बेबी, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो भी तो जिम्मेदार है ना, वो रखेंगे। नो बेबी। मम्मा प्लीज। नो। पर ट्राई तो करके देख। नो मम्मा। नो बेबी। क्यों रे कोमल भाभी, क्या टेंशन है, तुम मेनू दसो। एक्चुअली सोड़ी भाई, इस डब्बे में पोपटलाल भाई के सजनी पे सजने वाला सोना है। वो क्या हुआ, अब ये जिम्मेदारी हमारी। थोड़ी क्या है ना कि हमें भी बाहर जाना है, ये गहनों की जिम्मेदारी हमने ली है तो हम बाहर नहीं जा सकते। पापा, मम्मा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना। नो गोली बेटा, जो जिम्मेदारी ली है उससे पीछे हटना इज वेरी बैड। ओ हाथी प्रा, ओ कोमल भाभी, वो इतनी छोटी सी बात के लिए इस मासूम का दिल क्यों तोड़ रहे हो? तुम ये जिम्मेदारी मैनू दे दो, मैं इसको घर पे संभाल के रखूंगा। देखो आज ना मेरे गैराज में कम भी नहीं है, तो मैं आज गैराज नहीं जाऊंगा, मैं घर में बैठ के ना इस डिब्बे की चौकीदारी करूंगा, तुसी लोग एंजॉय करो। हाँ। नहीं नहीं, पर फिर अंजलि भाभी को क्या बोलेंगे? ओ कोमल भाभी, किसी नू कहने की लोड़ है? तो अंजलि भाभी के आने से पहले ये डब्बा आप मुझसे लेकर उन्हें दे देना, वो किसी नू कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, जैसे बारिश के आने पे मयूर नाचने लगता है, जैसे बसंत के आने पे कोयल गाने लगती है, ठीक वैसे ही हमारे सोढ़ी साहब फंसने वाला है। अरे फंसने वाला क्या, फंसी गया समझो, तो अब क्या करेगा सोढ़ी? आप छोड़िए साहब, आपकी चिंता करते हैं, आपके घरों में हंसी की बारिश होगी और उससे बचने के लिए कोई छाता मत निकालिएगा, क्योंकि हंसी की बारिश जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी और जरूरी है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.